था एक दो हफ्ते पहले, लेकिन दोस्तों एक दो हफ्ते के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। क्योंकि बात अभी दो टीमें तो क्वालिफाई हो चुकी है जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया। कुदरत का निजाम हो जाए, कुछ करिश्मा हो जाए तो पाकिस्तान कैसे भी करके सेमीफाइनल पहुंच जाए। और 11 छक्के लगाए, 126 रन बनाए 81 बॉल में, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की फखर जमान ने। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है शॉबी ब्लॉग। फिर से एक बार मैं गाड़ी चल रही है और ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन जब गाड़ी रुकेगी तब बहुत सारे लोग एक साथ में बैठ जाते हैं तो फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है चलती गाड़ी में लोगों को लेके ब्लॉग बनाना। तो वैसे मैं अकेला हूँ और यहाँ पे व्हीकल्स कम चल रहे हैं, तो मैंने सोचा 5-1 मिनट का ब्लॉग बना लेता हूँ। बात करते हैं वर्ल्ड कप 2023 के बारे में जो भारत में खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो वर्ल्ड कप में पहले क्या लग रहा था, आज से दो हफ्ते पहले लग रहा था कि इजीली चार टीमें दिख रही थी कि वर्ल्ड कप के फाइनल में सेमीफाइनल में आ गई हैं, और जिसमें वो भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया था, ऐसा लग रहा था एक दो हफ्ते पहले। लेकिन दोस्तों एक दो हफ्ते के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि जो छोटी टीमें हैं जिसमें अफगानिस्तान है तो उसने काफ़ी कमाल किया है। अपनी जो मैचें थी, पाकिस्तान के सामने जीता, नीदरलैंड के सामने जीता, उसने श्रीलंका को भी हरा दिया, तो वो भी 8 पॉइंट के साथ अभी ऊपर डिफेंड कर रहा है 5वें नंबर पे अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये सारी टीमें, छोटी टीमें अच्छा खेल रही हैं और अपनी दावेदारी साबित कर रही है सेमीफाइनल के लिए। आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सेमीफाइनल में खेलेगा, लेकिन अभी बहुत ही फाइट चल रही है तीसरे और चौथे नंबर के लिए। जी हाँ दोस्तों, सेमीफाइनल के तीसरे और चौथे नंबर के लिए काफ़ी फाइट हो रही है, क्योंकि सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। पहले लग रहा था इजीली चार टीमें दिख रही थी, उसके बाद अभी दो टीमें तो क्वालिफाई हो चुकी है जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया, लेकिन दूसरे दो सेमीफाइनलिस्ट के लिए काफ़ी फाइट हो रही है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो अब देखना है आगे क्या सीन होता है। लेकिन कल वाला मैच जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का था, जो पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया हमेशा कहती है कुछ कुदरत का निजाम हो जाए, कुछ करिश्मा हो जाए तो पाकिस्तान कैसे भी करके सेमीफाइनल में पहुंच जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ कल वाले मैच में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कहा था न्यूजीलैंड ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 401 रन का टारगेट रखा हुआ था पाकिस्तान के सामने। तो पाकिस्तान जैसे ही खेलने आया, फखर जमान के बैट से आग उगलने लगी। जी हाँ दोस्तों, 11 छक्के लगाए, 126 रन बनाए 81 बॉल में, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की फखर जमान ने। और फखर जमान के बैटिंग की बदौलत 25 ओवर में 200 रन तक पाकिस्तान पहुंच चुका था। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, कुदरत का निजाम देख लीजिए, एक बार फिर पाकिस्तान के साथ बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से एक बार मैच रुका, 41 ओवर में 83 रन का स्कोर आया डकवर्थ लुईस के नियम के हिसाब से। उसके बाद तो एक बार फिर से पाकिस्तान खेलने उतरा तो 200 रन तक पहुंच गया। फिर से एक बार फखर जमान ने आते ही 3-4 छक्के लगा दिए, और उसके बाद फिर से बारिश हो गई। तो ग्राउंड को देखा गया, अंपायर ने ग्राउंड को देखा और सारी चीज़ें देखते हुए मैच नहीं खेला जा सकता था क्योंकि ग्राउंड काफ़ी गीला हो चुका था। तो इसकी बदौलत हुआ क्या, यहाँ पे दकवा लूज के नियम के हिसाब से पाकिस्तान 21 रनों से आगे चल रहा था, तो फिर पाकिस्तान को यहाँ पे इजीली जीत दे दी गई कुदरत के निजाम के हिसाब से। अगर पूरे 50 ओवर खेला जाता वो मैच, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आता और न्यूजीलैंड के फेवर में ज़्यादा वो चीज़ें रहती, क्योंकि न्यूजीलैंड 25 ओवर थे वो कभी ना कभी तो विकेट निकाल ही लेता। तो ये सारी चीज़ें हुई है। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह थोड़ी सी खुल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का जीतना यहाँ पे मायने नहीं रखता, जीतना तो है ही उनको, पाकिस्तान को सारी मैचें। उसके अलावा दूसरी टीमें भी हारे, उनका रन रेट थोड़ा नीचा हो, तो ये सारा सिनेरियो भी पहले चाहिए, तभी जाके पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगा। लेकिन वर्ल्ड कप की जो चार सेमीफाइनल थी उसमें दो के लिए काफ़ी फाइट हो रही है ये दो हफ्तों से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वर्ल्ड कप में। और भारत का मैच है आज, भारत और साउथ अफ्रीका का,
जो अनबीटन है, इंडिया भी अनबीटन खेल रही है, वो एक भी मैच नहीं हारा, 7 में से 1 भी मैच नहीं हारा, तो अनबीटन ही हुआ और बहुत ही फॉर्म में है उनके। इंडिया के बॉलर ने श्रीलंका के सामने क्या तबाही मजा के रखी थी, आपने लोगों ने देखा था, 55 रन पे ऑल आउट कर दिया था एक बार श्रीलंका को, क्योंकि आज से महीने पहले श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में वो 51 पर आउट कर चुका है और एशिया कप अपने नाम कर चुका था। तो ये महीने पहले की बात थी और अब 2 दिन पहले श्रीलंका को एक बार फिर से 55 पे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने, और उसमें भारतीय बॉलर का सबसे बड़ा रोल रहा, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शिराज, मोहम्मद शमी, क्या बॉलिंग है, मोहम्मद शमी अभी तक बैठे थे, ये 3 मैचों से ही खेल रहे हैं मोहम्मद शमी, और क्या बॉलिंग, गजब बॉलिंग मोहम्मद शमी की। वो सिलेक्टर भी सोच रहे होंगे कि हमने उनको क्यों बिठाया था इतने मैच, लेकिन चलो खैर देर आए दुरुस्त आए, मोहम्मद शमी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उन्होंने श्रीलंका वाले मैच में भी पंजा खोल दिया, तो बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप जा रहा है भारत के लिए। और साउथ अफ्रीका बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, उसकी तरफ से साउथ अफ्रीका अभी तक एक ही मैच हारा है, और साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है बहुत ही फॉर्म में है, और देखना है वो भारत को कैसे हरा पाते हैं, क्योंकि भारत तो भारत ही है। अभी आज का जो मैच है, आज जो 2 बजे को शुरू होगा, वो देखने लायक होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेला है अभी तक, बहुत ताबड़तोड़ खेला है उसने भी, ऑलमोस्ट सारे मैचों में 300 के ऊपर ही रन बनाए हैं, तो आज देखना पड़ेगा भारत के सामने वो क्या कर पाता है, क्योंकि भारत तो अनबीटेबल टीम है, अभी तक किसी ने उसको हरा नहीं है, तो आज देखना पड़ेगा। और हम होप करते हैं भारत ना हारे और बिना हारे ही सेमीफाइनल खेले, तो बहुत बढ़िया है, वैसे सेमीफाइनल में पहुंच ही चुकी है, लेकिन एक भी मैच क्यों हारे, नहीं हारनी है, तो बस हम होप करते हैं भारत किसी भी तरह साउथ अफ्रीका के सामने जीत जाए। तो दोस्तों ये वर्ल्ड कप अभी बहुत ही अच्छे फेज पे पहुंच चुका है, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं इसी तरह के नए ब्लॉग के साथ, बाय।